नमस्कार दोस्तों एम एस क्लास में आप लोग का स्वागत होता है तहे दिल से स्वागत आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे सही सलामत होंगे और आप लोगों की सेमेस्टर एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी चल रही होगी या और किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अच्छे से चल रही होगी देखिए मेरे भाई कोई भी मदद चाहिए कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे जरूर एक बार कॉल करके मैसेज करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को नंबर नीचे मेरा मिल जाएगा सेवन नोट डाउन जरूर करें व्हाट्सअप करिएगा आप अपने समस्याएँ बताएँगे मैं आपको सोलूशन ज़रूर दूँगा देखिए आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये ला स्टूडेंट के लिए जो प्रजेंट टाइम में एलएलबी कर रहे हैं और आप लोग चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो कोई मायने नहीं रखता कि चाहे उसके एफिलेटेड कॉलेज से हो बस एलएलबी आप लोग कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट में जो है आप लोगों के जो है जो प्रजेंट टाइम में लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो एल थर्ड ईयर के जो है थर्ड सेमेस्टर में ये जो है आप लोगों के जो है ये सब्जेक्ट है क्या सब्जेक्ट है जिसे हम लोग कहते हैं जैसे कॉमर्शियल लॉ मेरे भाई अब कॉमर्शियल लॉ कि जो है कहते हैं या उसे जो है पार्टनरशिप एक्ट कहते हैं तो ये इसी में से आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि इसके जो है नेचर क्या है इसके डिफिनीसन क्या है इसके काइंड्स क्या है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग को सेक्शन जो है फोर से लेकर के एट तक ले जाएगा जो कि आपको हर एक जगह ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है आप लोग किसी भी फील्ड में अगर होंगे तो वहाँ भी पार्टनरशिप एक्ट अगर चलता होगा आप लोग को जैसे आपको कॉमर्स वाले स्टूडेंट वहाँ चलता है तो उन लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा अच्छे तरीके से नोट डाउन जरूर करिएगा और अच्छे तरीके से आप लोग जो है इसको बढ़िया तरीके से एक कॉपी बनाइए अच्छे तरीके से उसमें पॉइंट वाइज पॉइंट वाइज लिखिए मेरे भाई आप लोग के एग्ज़ाम में ये हंड्रेड परसेंट पूछने वाला है नाइन्टी नाइन परसेंट मेरा जो है गारंटी नहीं तो हंड्रेड परसेंट मान लीजिए देखिए पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ मेरे भाई यूट्यूब पे कह रहा हूँ आपको पता होगा ऑलरेडी मैं बताते आ रहा हूँ बहुत दिनों से करीबन साल भर से तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हर एक चीज़ें बस वो आ भी जाता है तो आप लोग भी विश्वास करके एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ठीक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसके टॉप टेन क्वेश्चन आप लोग जा कर के वो वीडियो ज़रूर देखिएगा अब जो है पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन दबाइएगा आप लोगों को लिए ही फ़ायदा होगा आप लोग को किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी जानकारी या किसी भी अपलेटेड कॉलेज से कोई भी जानकारी या जो है आप लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस पर से रिलेटिव कौन को, कोई भी जानकारी चाहिए कैसे पढ़ना है किस तरीके से प्रॉपर गाइडेंस के साथ मैं बताता हूँ मेरे भाई और बाकी लाख के स्टूडेंट हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें उनके लिए तो बहुत ही फायदा है मेरे भाई थर्ड ईयर में हो या फाइव ईयर्स में हो अब चलिए हम स्टार्ट करने से पहले जो है चार लाइन की जो कोटेशन है उसको अच्छे तरीके से सुनिए और इसको अपने जीवन में लाइफ जरूर करिएगा देखिए मेरे भाई ये हकीक़त है किसी ने क्या खूब कहा है लाइफ कितनी हार्ड होगी आप उतने ही जो है स्ट्रांग बनोगे जितनी आपकी लाइफ हार्ड होगी उतने ज़्यादा आप स्ट्रांग मतलब मजबूत बनोगे आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही हीजी होगी मेरे भाई एग्जैक्टली मतलब ये एग्जैक्ट फैक्ट है और रियलिटी है अगर आप लोग अच्छे तरीके से फाइट कर रहे हैं अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे उतने ही हिस्ट्रॉ बनेंगे अब चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा कम टाइम में आप लोग को प्रॉपर हैंड राइटिंग नोट्स है आप लोगों को समझ जाइए आप अच्छे तरीके से आप समझ भी जाएंगे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों इंक्लूड करके जो है उसमें मैं बताऊँगा चलिए अब क्या है देखिए सेक्शन आप लोग को जो सेक्शन बता दिया फोर्थ से लेकर के एट तक है हम लोग देखेंगे नेचर मतलब जो है प्रकृति उसके है, डिफिनेशन मतलब परिभाषा और थी उसके प्रकार आप पार्टनरशिप के चलिए अब सेक्शन फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेक्शन फर्स्ट क्या करा है संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ मतलब इसके जो है एक्सप्लेनेशन करना है जो है उसके नेम सहित सेक्शन फर्स्ट ये कह रहा है देखिए ये अधिनियम भारतीय भागीदारी अधिनियम उन्नीस अब ये कब आया था उन्नीस में पार्टनरशिप एक्ट कहा जाता है इसका विस्तार अब राज्य में दो के बाद पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ था अब ये दो के बाद मतलब दो के पहले जो ये जम्मू कश्मीर को छोड़ कर के था ये पूरे इंडिया में पूरे भारत में जो है लागू था लेकिन जो है अब दो में 370 आप लोग समझ सकते हैं कि हट गया है 370 आर्टिकल तो इसीलिए जो है ये पूरे इंडिया में लागू हो गया देखिए ये सन उन्नीस के एक्ट के जो है फर्स्ट डे को प्रवृत्त हुआ सिवाय धारा उनहत्तर के जो सन उन्नीस के अक्टूबर में प्रवृत्त हुआ देखिए ये जो है लागू हुआ ये आया जो है आप लोगों का उन्नीस में लेकिन सेक्शन 69 जो है छोड़ करके जो है आया था अब ये जो है उन्नीस में आया अक्टूबर में अब इसके बाद अब ये पूरा हो गया अब ये भी आ चुका है तो मतलब ये हाँ ये दो पॉइंट याद रखिएगा आप लोग के जो है पी जे के एग्जाम अगर आप लोग क्वालिफ देते हैं तो वहाँ जो है से डायरेक्ट पुटअप क्वेश्चन दे देता है अब अगला पॉइंट देखिए आप लोग नेचर ऑफ डिफिनेशन एंड पार्टनरशिप भागीदारी की परिभाषा एवं प्रकृति क्या है अब जानिए पार्टनरशिप एंड पार्टनर एंड फर्म एंड कंपनी ये तीन चीज़ें जरूरी है मेरे भाई ये तीन चीज़ें मतलब ये मान लीजिए चार जिस फर्म एंड कंपनी एक ही है मान लीजिए और पार्टनरशिप और पार्टनर ये तीन चीज़ें आप लोग के आपस में जरूरी होते हैं एक पार्टनरशिप के लिए एक पार्टनरशिप करने के लिए अब भाई पार्टनर ही नहीं रहेगा सामने वाला बंदा नहीं रहेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो है हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं अब सेक्शन फोर क्या कह रहा है देखिए पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव द एग्रीड शेयर द पार्टिकल प्रॉफिट प्रॉफिट आप बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब ये कह रहा है मेरे भाई कि जो है आप लोग पार्टनरशिप किस लिए करते हैं दोनों के बीच में जैसे आप और हम हैं आपके और हमारे बीच में कुछ जो है कुछ चीज़ों के लेकर के जय मान लीजिए हम एक कंपनी खोलें हम लोगों के बीच में एक पार्टनरशिप हुई और जो है हम लोग ही उस तरीके से एक एग्रीमेंट अच्छा तरीके से मतलब एग्रीड होता है मतलब दोनों लोग अगर जैसे हम और आप कर रहे हैं पार्टनरशिप अगर आप एग्री नहीं होंगे तो पार्टनरशिप नहीं हो सकता देखिए पार्टनरशिप का मतलब होता है एक से अधिक व्यक्ति चाहिए ही पार्टनरशिप के लिए आप होंगे हम होंगे तो दोनों लोग अगर पार्टनरशिप हम कर रहे हैं किसी कंपनी को खोलने के लिए कोई भी शॉप या कुछ भी छोटा मोटा चीज़ भी अगर आप लोग खोलते हैं तो किसके लिए खोलते प्रॉफिट के लिए इसीलिए कहा गया प्रॉफिट प्रॉफिट ही मतलब हम लोग जितना भी प्रॉफिट होगा दोनों लोगों में आपस में शेयरिंग होगी हर एक चीज़ें होगी ठीक यही इसका मतलब पार्टनरशिप का मेन मतलब यही होता है अब देखिए क्या कह रहा है बिजनेस बिजनेस क्या होता है सेक्शन टू बी में यह डिफाइन किया गया है जिसे हम लोग कहते हैं सबसे फर्स्ट नंबर ट्रेड होना चाहिए व्यापार होना चाहिए नंबर सेकंड ऑक्यूपेशन होना चाहिए जो है बेसा उसका होना चाहिए किस बेस पे आप लोग कर रहे हो उपजी उप जिसे हम लोग कहते हैं कौन सा ये है, है इसके बाद आप लोग का जो है तीसरा पॉइंट है बिजनेस में देखिए प्रॉफिटन मतलब विशेष वृत्ति मतलब प्रॉफिट जिसे हम लोग कहते हैं कि क्या मतलब मुझे फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा ये सब सारी चीज़ें होना चाहिए तीन पॉइंट है जो जरूर आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए जो तीन मैं बताया अब आगे देखिए आप लोग को जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है स्वतंत्र सहमत से आपस में मिलकर कोई कारोबार चलाने का करार एग्रीमेंट जिसे हम लोग कहते हैं इस शर्त पर करते हैं कि वे कि वे उस कारोबार बिजनेस के लाभ प्रॉफिट में अंश शेयर करेंगे भागीदारी अस्तित्व में आती है मेरे भाई जो अंश होता है जो भाग जो प्रॉफिट आप लोगों का निकलेगा उसमें जो है दोनों लोग जो है आपस में शेयर करेंगे कि इतना इतना आपका इतना आपका बराबर बराबर अगर बराबर बराबर नहीं करते हैं तो ये पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा पार्टनरशिप का मतलब ही होता है बराबर का हिस्सेदार मतलब जनरल भाषा में और ऐसे करार को करने वाले व्यक्ति भागीदारी पार्टनर कहलाते हैं आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही जो है कार्य को करने वाले व्यक्ति जो है पार्टनर कहलाते हैं मेरे भाई अब दोनों लोग के बिजनेस एक हुआ अब उस पर एग्रीमेंट होना चाहिए मतलब एक मतलब हमारे और आपके बीच में कुछ हो रही है तो उस पर एक दस्तावेज़ या कुछ भी लिखावट होना चाहिए एग्रीमेंट होना चाहिए कि इतना आप हाँ जो है हम लोगों लो के जो है कभी भी बाद में कुछ कोई प्रॉब्लम होगा तो बराबर बराबर की हिस्सेदारी उसमें रहेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप उसमें इन्वॉल्व हैं पता चला अब दो लोगों की पार्टनरशिप हो रही है वो अपने हिसाब से वो अपना सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया आपको कुछ मिला ही नहीं तो इसलिए एग्रीमेंट होता है ये ला कहता है अब आप लोग अपने मन से भी चला सकते हैं पार्टनरशिप आपकी इस टाइम होगी तो देखिए अगला पॉइंट क्या देखिए क्या कह रहा है तथा ऐसे करार के अंतर्गत जो संस्था बनाई जाती है उससे भागीदारी जिसे हम लोग फर्म कहते हैं पार्टनरशिप फर्म कहते हैं जिसे हम लोग फर्म भागीदारी फर्म या पार्टनरशिप फर्म कहते हैं सिंपल सा मतलब जो ऐसी संस्था बनाई जाती है अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़ा ये ये जो है आप लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से देखिए अब सीधा सा मतलब जो पार्टनरशिप एक्ट आप लोगों का निकला है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही निकला है मेरे भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसी से जो है ये पहले इसी में इन्वॉल्व था लेकिन जो है इससे निकला है इसी से ये बना है पार्टनरशिप एक्ट सेम मैटर तर उसी तरह रहता है देखिए इसीलिए कांटेक्ट का यहाँ ने, नेम आता है एग्रीमेंट आता है ये सब सारी चीज़ें आती है देखिए बिज़नेस क्या होता है देखिए कंपनी होना चाहिए सबसे मतलब कंपनी में आप लोग को प्राइवेट या पब्लिक दो कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी अब इसमें बिज़नेस में एक नंबर फर्म होना चाहिए फर्म मतलब आप लोग देखिए क्या आता है फर्म में पार्टनरशिप होना चाहिए या पार्टनरशिप ठीक ये दोनों चीज़ होना चाहिए अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये दोनों जो है आप लोग को बता दूँ आगे क्या है देखिए कंपनीज एक्ट दो हज़ार तेरह ये आप लोग को लिखना है बैंकिंग सब्जेक्ट आप, बैंकिंग सब्जेक्ट आप मेंबर ये होना चाहिए उसमें और आप लोग को नॉन बैंकिंग आप लोग को हंड्रेड से लेकर के जो है टेन टू ट्वेंटी ये सब सारी चीज़ें इसमें होना चाहिए सिंपल सा मतलब अब इसका एसेंशियल एलिमेंट देख लीजिए इसके आवश्यक तत्व क्या है पार्टनरशिप के नंबर फर्स्ट आप लोग के एग्रीमेंट बिटवीन टू आर मोर पर्सन मतलब मैं पहले ही बता दिया था कि दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए इसका अब इसका केस ला देखिए आप लोग को अब्दुल बरस आप लोग का जो है सेंचुरी वुड्स से जो है इंडस्ट्रियल लिमिटेड उन्नीस सौ चौवन का एक केस है ये केस ला जरूर लिखिएगा आप लोग जो एलएलबी कर रहे हैं ला के स्टूडेंट केस ला बहुत इंपॉर्टेंट होता है नंबर सेकंड आप लोग को जो है इसमें कुछ कहा गया था ये इन सब के लेकर के जो है आप लोग इस केस को एक बार रीड कर लीजिएगा नहीं करेंगे इतना केस भी लिख देंगे तो आप लोग नंबर पा जाएंगे अच्छे तरीके से देखिए एग्री टू जो है कैरी ऑन बिजनेस देखिए एग्री होना चाहिए मतलब दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए तभी वो बिजनेस आगे बढ़ पाएगा केस केसलाइस इसमें देखिए आप लोग को आर आर सरन वर्सेस आप लोग का जो है पबलियन मेरे वा पवेलियन उन्नीस सौ छियालीस का एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग इस किस्त को जो है ज़रूर पढ़िएगा अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है शेयरिंग प्रॉफिट बिटवीन जो है पार्टनर अब शेयरिंग होना चाहिए सबसे पहले नंबर दोनों के बीच में जो है आपस में जो भी लाभ होगा जो भी प्रॉफिट होगा उस जो आधा इनका हिस्सा आधा उनका हिस्सा दो लोग हैं जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों लोग मिल करके जो कोई पार्टनरशिप कहिए कुछ कोई कंपनी खोलें अब जो भी प्रॉफिट होगा वो दोनों लोगों में शेयर होगा ऐसा नहीं कि ए जो है पूरा रख लिया बी को कुछ मिला ही नहीं ऐसा नहीं हो सकता नहीं तो पार्टनरशिप नहीं चलेगा वहीं जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा मतलब ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह शेयरिंग होना चाहिए इसमें केस आया था आप लोगों का देखिए कॉक्स वर्सेस आप लोग का जो है हिक मैन का केस आया था अट्ठारह सौ साठ में एक केस लाइ इसको जो जरूर पढ़िएगा इसमें भी ए से रिलेटिव माना था शेयरिंग के रिलेटिव आप लोग दो लाइन लिख देंगे तभी अच्छा नंबर मिल जाएगा देखिए बिजनेस कैरिएड ऑन बाई आल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर आल बिजनेस को कैरी करना चाहिए मतलब इकट्ठा करना चाहिए अपने हिसाब से मतलब एक साथ बिजनेस को करना चाहिए कोई भी बिजनेस करें तो एक साथ किया जाएगा तभी माना जाएगा कि हाँ पार्टनरशिप पा आप लोगों में है नहीं तो नहीं माना जाएगा केस लाइस में आया था आप लोग का म्यूचुअल एग्री एजेंसी का आप लोग का जो म्यूचुअल एजेंसी का जो एक केस आया था ये केस आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा काइंड पार्टनरशिप पा आप हम लोग देख लेते हैं आपको वहाँ तक तो समझ गया है इसके एसेंशियल एलिमेंट चार है मेरे भाई चार को आप लोग केस ला के सही जो है एक्सप्लेन कर देंगे जैसे मैं बताया हूं आप लोग को बहुत अच्छा नंबर मिलेगा पार्टनरशिप जानिए क्या होते हैं पार्टनरशिप आप बिल इच्छाधीन जिसे हम लोग भागीदारी कहते हैं सेक्शन सेवन में दिया गया है ठीक जहां की भागीदारों के बीच की संविधा द्वारा उनकी भागीदारी की अस्तित्व के लिए या उनकी भागीदारों के प्रश किसान के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है वहाँ वह भागीदारी इच्छाधीन भागीदारी हुआ जो कि इच्छाधीन भागीदारी सेक्शन सेवन में दिया गया है जो कि इच्छा के अनुसार होना चाहिए सही बात है अगर आप हमारे और आपके बीच में हो रही पार्टनरशिप अब हमारी इच्छा ही नहीं है आप जबरदस्ती कर रहे हैं हमसे चलो ठीक हो गया लेकिन कुछ दिन चलेगा फिर टूट जाएगा ठीक तो विदाउट इच्छा दोनों लोगों की इच्छा होगी कोई चीज़ जो है पार्टनरशिप करने में तभी जो है वो आप लोग की पार्टनरशिप जो है आप लोग की लीगल मानी जाएगी और पार्टनरशिप हो भी चल सक चलता भी है और बहुत दूर देर तक चलता है बहुत दिनों तक नहीं तो नहीं चलता है अब एक लोग कह रहे हैं हाँ हाँ एक लोग कह रहे हैं ना ना तो कहाँ से पार्टनरशिप होगा अब पार्टनरशिप का मतलब कि एक से अधिक लोग चाहिए मैं तो पहले ही बता दिया हूँ आप लोग देखिए आगे पार्टिकुलर एट पार्टनरशिप क्या होता है देखिए विशिष्ट भागीदारी सेक्शन एट में दिया गया है नंबर इसमें देखिए पॉइंट नंबर वन दिया गया है पार्टनरशिप फॉर अ लिमिटेड फिक्स पीरियड मतलब लिमिटेड होना चाहिए जो है आप लोग के लिमिटेड लिमिटेड जो है पीरियड एक होना चाहिए आप लोगों के लिए लिमिट जिसका होना चाहिए एक जो फिक्स पीरियड होना चाहिए कि दो साल के लिए हो रहा है पार्टनरशिप कि चार साल के लिए हो रहा है कि पाँच साल के लिए हो रहा है ये सब जो है आप लोग के बीच में फिक्स होना चाहिए कि दो साल के लिए पार्टनरशिप हो रहा है दो साल के लिए हम लोग जो आपस में काम करेंगे बराबर के हिस्सेदार होंगे और सब कुछ एकदम जो है एग्रीमेंट करके जो उस पर जो एक जो है आप लोग के लिखा जाता है और आप दोनों की सिग्नेचर होगी आप लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ये सब सारी चीज़ें प्रक्रिया आगे चल करके ये आप लोगों को मैं बताऊँगा ठीक आप लोग को ये सब करना पड़ेगा जनरली अभी आप लोग खरीदना जानिए देखिए पेसिफिक आप लोग का जो है पार्टनरशिप आप फॉर स्पेशल पर्पोज ऑब्जेक्ट देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी जो है उसको पर्पज़ करते हैं हम कि क्या है क्या नहीं ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया है कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या विशिष्ट देखे प्रौद्योगमों अथवा उपकरणों में भागीदारी बन सकेगा कोई भी व्यक्ति जो है ये नोट्स है मान लीजिए नोट्स लिख लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के का विशिष्ट जो है प्रौद्योगी में मतलब कोई भी कंपनी या कुछ भी हो उपकर्मों में भागीदारी पूरी तरह अच्छे तरीके से बन रखता है ऐसा नहीं है देखिए भागीदारी देख लीजिए मेरे भाई लीगल पोजिशन ऑफ माइ माइनर एज द पार्टनरशिप फर्म भागीदारी फर्म में आवय की विधिक स्थिति सेक्शन थर्टी में दिया गया है माइनर आर अंडर द एज ऑफ एटीन ईयर ये सब सारी चीज़ें इसमें दिया गया है अब आप लोग को मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में पहले इतना आप लोग देख लीजिए तो थैंक यू दोस्तों आई होप है कि आप लोग को समझ में आया होगा इसके सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आप लोग अच्छे तरीके से देखे होंगे और बढ़िया तरीके से आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके जो है अलग जो है आप लोग के अलग लेक्चर जो है अलग टॉपिक पे आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा लोगों की मदद हो मेरे भाई थैंक यू